करूं। नमस्कार बच्चों, इस पहले उसमें हमने आपको पैराग्राफ 3 तक पढ़ा दिए थे। मैं आपको अब दोबारा से हम उस चैप्टर को एन्चेंटेड पोल में जो पैराग्राफ 3 तक आपको पढ़ाया था और ये पैराग्राफ नंबर 4 मैं आपको फिर से इसको समझा देता हूँ, आप उसे समझ लेंगे क्योंकि हमने पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 हमने पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया था समझ लिया था। और अब हम फिर पैराग्राफ नंबर 4 पे आते हैं क्योंकि उसमें यक्ष और युधिष्ठर के आपस में प्रसन्नता चल रहे हैं। तो फिर युधिष्ठर जी से उन्होंने यक्ष ने पूछा पैराग्राफ नंबर 4 में, वॉट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर। उन्होंने कहा कि बी फ्रेंड मित्र साथी ए ट्रैवलर यात्रा करने वाले व्यक्ति का सच्चा मित्र कौन है। तो युधिष्ठर जी ने उत्तर दिया यक्ष को, लर्निंग यानी ज्ञान। लर्निंग माने ज्ञान। फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा उनसे, यक्ष जी ने युधिष्ठर से पूछा, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। हु माने कौन, इस माने है, द फ्रेंड ऑफ वन उस व्यक्ति का मित्र कौन है जो घर पे रहता है, अर्थात घर में आप रुकते हैं वो इस घर पे रहते हैं तो वो कौन मित्र है आपका सच्चा मित्र। तो उन्होंने कहा द वाइफ, उस व्यक्ति की पत्नी ही उसकी सच्ची दोस्त होती हैं। उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा, हु एकम्पनाइज ए मैन इन डेथ। एकम्पनाइज का अर्थ है, एकम्पनाइज का अर्थ है साथ देना, संगति करना। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है डेथ, तो उसका साथ देने के लिए कौन व्यक्ति या कौन सी ऐसी वस्तु है जो उसका साथ देती है मृत व्यक्ति। अब हम आगे पीछे देखते हैं तो उसने उसका उत्तर दिया, धर्म दैट अलोन एकम्पनाइज द सोल इन द सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। यस के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, धर्म यानी मनुष्य का जो धर्म है कर्तव्य का पालन करना ईमानदारी से, दैट अलोन वो केवल अकेला एक में मात्र ही, एकम्पनाइज माने साथ देता है द सोल आत्मा का इन इट्स सॉलिटरी जर्नी। सॉलिटरी माने एकांत या अकेले, सॉलिटरी माने होता है एकांत या अकेले ही, अकेले यात्रा में केवल मनुष्य की आत्मा का साथ उसका धर्म ही देता है। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, विच इज द बिगेस्ट वेसल, विच माने कौन सा, इज माने है, द बिगेस्ट माने बड़ा। बिगेस्ट देखिए बच्चों ये एक डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि बिग बिगर और बिगेस्ट ये एक डिग्री है, तुलना की जा रही है कि सबसे बड़ा बिगेस्ट। उन्होंने कहा कि वेजल माने पात्र, वेजल माने क्या है, पात्र बर्तन। उन्होंने कहा पूछा कि युधिष्ठिर जी आप ये बताइए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पात्र क्या है। तो उन्होंने उत्तर दिया, द अर्थ यानी भूमि यानी पृथ्वी विच कंटेन्स, विच माने जिसमें, कंटेन्स माने समाये हुए हैं या रखे हुए हैं, ऑल विद इन इट्स सेल्फ जिसके अंदर हम सब कुछ है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा पात्र है। क्योंकि धरती पर पेड़ पौधे मनुष्य पर्वत नदी तालाब सब तरह के जीव जंतु समाये हुए हैं रहते हैं, तो ये सबसे बड़ा दुनिया का एक पात्र है
जिस प्रकार से हम किसी बर्तन में जैसे पानी होता है रखते हैं गिलास में, तो उसमें गिलास में कितना पानी आता है, तो ऐसे ही ये सारी दुनिया जो है एक, ये धरती जो है एक पात्र के समान है जिसमें हम सब लोग रहते हैं। ये उत्तर उन्होंने दिया। उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा यक्ष जी ने विदिश्र से, व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस माने खुशियां, प्रसन्नता। उन्होंने कहा कि मनुष्य की प्रसन्नता क्या है, खुशियां क्या चीज होती है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। यश को उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने बताया कि खुशियां जो है अच्छे चरित्र, अच्छे आचरण, अच्छी बातों का परिणाम है। गुड कंडक्ट का मतलब है अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण। अच्छी बातें उन्होंने कहा, अगर यदि हमारा अच्छा चरित्र है, अच्छी बात है हमारे अंदर, अच्छी व्यवहार है, तो हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ होता है। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज दैट, वो क्या चीज़ है। बाय गिविंग अप मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। उन्होंने पूछा कि वो क्या वस्तु है कि जिसका त्याग कर देने से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। गिविंग अप का मतलब है त्यागना, छोड़ देना, छोड़ देना, त्याग देना। उन्होंने कहा कि वो क्या वस्तु जिसके छोड़ देने से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। बाय ऑल, सभी के लिए प्रिय। प्राइड, उन्होंने कहा कि प्राइड यानी गर्व, प्राइड माने गर्व या अहंकार। फॉर, क्योंकि यदि मनुष्य गर्व करना छोड़ दे, इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबका प्रिय बन जाता है। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सोरो। उन्होंने कहा ऐसे क्या नुकसान है जिसके छोड़ देने से खुशी होती है, नॉट सोरो। यील्ड माने त्यागने, छोड़ देने से। या तो उन्होंने उत्तर दिया एंगर, एंगर माने क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, वी विल नॉट लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सोरो। तो वी मीन्स हम लोगों को, विल नो नहीं होना पड़ेगा लॉन्गर, अधिक समय तक, बी सब्जेक्टेड। बी सब्जेक्टेड का मतलब है प्रभावित या ग्रसित सोरो मीन्स दुख। तो हमें दुख से प्रभावित नहीं होना पड़ेगा, अर्थात हमें दुखी नहीं होना पड़ेगा। यदि हम क्रोध करना छोड़ दें तो हमें दुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि क्रोध से दुखी की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को क्रोध करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसको छोड़ देने से हमें खुशी होगी, दुख नहीं होगा, क्योंकि ये बुराई है। फिर उन्होंने पैराग्राफ, आइए अब हम पैराग्राफ 5 नंबर पे चलते हैं। व्हाट इज दैट, वो क्या चीज़ है। बाई गिविंग अप मैन रिच मैन बिकम्स रिच। उन्होंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज दैट, बाय गिविंग अप रिच मैन बिकम्स रिच। वो क्या वस्तु है जिसके त्याग देने से मनुष्य अमीर बन जाता है, धन संपदा से युक्त हो जाता है। रिच का अर्थ यहाँ पे यह है, प्रसन्न भी है, खुश भी है, धन संपदा से है, प्रसन्न। अर्थात वो क्या वस्तु है कि जिसके त्याग देने से मनुष्य अमीर बन जाता है। डिजायर, डिजायर माने इच्छाएं, मनुष्य की इच्छा, अभिलाषाएं। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है, बीइंग इन ग्रेडी और लालच, ग्रेडी माने लालच, यदि मनुष्य अपने लालच को, अपनी इच्छा का त्याग कर दे, He will become wealthy, तो वो धनवान बन सकता है। फिर उन्होंने पूछा कि what makes one a real Brahman?
कि व्हाट इज दैट, वो क्या वस्तु है, ये क्या चीज है, बाय गिविंग अप विच मैन, अच्छा मैन बिकम रिच, कि उन्होंने पूछा कि भाई वो क्या वस्तु जिसके त्यागने से मनुष्य अमीर होता है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि डिजायर, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि मनुष्य लालचपन और अपनी छौक त्याग कर दे, ही बिकम्स वेल्दी। फिर उन्होंने पूछा व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, कि वो क्या वस्तु है जिससे मनुष्य वास्तविक ब्राह्मण कहलाता है, इज बर्थ, इज बर्थ, क्या वो जन्म से, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से, और लर्निंग या ज्ञान से। आंसर डिसीवली, उन्होंने कहा कि आप स्पष्ट साफ साफ सही ढंग से इसका उत्तर बताइए। बर्थ एंड, तो उन्होंने उत्तर दिया बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, किसी भी व्यक्ति के जन्म के लेने से और ज्ञान की प्राप्ति से वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, यानी किसी भी व्यक्ति को हम ब्राह्मण इसलिए नहीं मान सकते कि उसका जन्म अच्छे स्कूल में हुआ या उसने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो हम उसे ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। ब्राह्मण शब्द मतलब यानी यह है अच्छा समझदार या अच्छे कुल का। उन्होंने उत्तर दिया गुड कंडक्ट एलोन डज, गुड कंडक्ट माने अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट अच्छा सदव्यवहार, अच्छा आचरण, अच्छी बातें, उन्होंने कहा केवल अच्छे व्यवहार ही कर सकता है। यदि मनुष्य के अच्छी आदतें, सदविचार हैं, सज्जन आचरण है उसका, तो उसको ही हमें ब्राह्मण मानना चाहिए। हाउ, चाहे कितना ही लर्नेड ए पर्सन, उन्होंने उसका ये बताया कि चाहे कितना ही ज्ञानी व्यक्ति, लर्नेड माने ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी समझदार, उन्होंने कहा चाहे लर्नेड पर्सन कितना ही क्यों ना हो, मे बी हो सकता है वो व्यक्ति, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, तो हम उसे ब्राह्मण नहीं कह सकते। क्यों? विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, यदि उन्हें अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी तो उसको हम ज्ञानी व्यक्ति नहीं कह सकते हैं। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन फोर वेदास, उन्होंने कहा कि चाहे उसने चारों वेदों का अध्ययन किया हो, चार वेद अर्थात जो जिसमें ऋचाएं हैं, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद आदि और यजुर्वेद, तो उसके अंदर ये चारों वेद जो हैं ये ज्ञान के बहुत अच्छे शास्त्र हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने चारों वेद क्यों ना पढ़े। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स ए लोअर क्लास, उन्होंने कहा कि एक मनुष्य जो बुरी आदतों से आए उसका पतन हो जाता है। लोअर क्लास का मतलब नीच श्रेणी, नीच श्रेणी, लोअर क्लास यानी नीचे की श्रेणी में ले जाता है, क्या अर्थात तो उसका पतन हो जाता है। फॉल्स माने पतन। फिर उन्होंने कहा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, वंडर माने आश्चर्य, अद्भुत, इन द वर्ल्ड माने इस दुनिया में, इस दुनिया में सबसे आश्चर्य क्या है। उन्होंने उत्तर दिया, युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, एवरी डे मैन सी क्रेचर डिपास टू यमाज किंगडम, एवरी डे माने प्रतिदिन, मैन मनुष्य लोग सी देखते हैं, क्रेचर माने प्राणियों को, क्रेचर माने प्राणी, प्राणी, डिपार्ट माने जाते हुए, यमाज किंगडम माने, यमाज किंगडम माने होता है राज्य। उन्होंने कहा कि यम के राज्य अर्थात यमलोक को प्रतिदिन मनुष्य जाते हुए देखते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है, एंड येट फिर भी दोज कुछ लोग हु जो रिमेन वांट टू लिव, रिमेन माने जीवित बचे रहना चाहते हैं, फॉर एवर हमेशा के लिए, फॉर एवर माने हमेशा के लिए, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, दिस यह है ट्रूली माने वास्तविक, ग्रेटेस्ट माने बड़ी, वंडर माने आश्चर्य, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है
कि लोग बाग इतने लोगों के मृत्यु के काल में जाने पर भी देखते हैं और फिर भी वे जीवित बने रहना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी एक सच्चाई है, आश्चर्य है वाली बात है। अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 6 पे। दस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार ने यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर जी से पूछे। इन द एंड द यक्ष आस्क्स, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव। उन्होंने कहा, हे यक्ष ने कहा कि हे राजन, आप अपने किसी एक भाई को, मृत भाई को आप जीवित करा सकते हैं। इसमें देखेंगे रिवाइव्ड शब्द का अर्थ है पुनर्जीवन, पुनर्जीवित। दोबारा से आप अपने किसी एक भाई को जीवित करा सकते हैं। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ। तुम किस भाई का जीवन वापस लाना चाहते हो, वॉन्ट माने चाहते हो, टू कम बैक वापस। इट टुक युधिष्ठिर टू मोमेंट टू थिंक दैट एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कम्प्लेक्शनेड लोटस आइड ब्रॉड चेस्ट एंड लॉन्ग आर्म नखला लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री माइट अराइज। युधिष्ठिर को ये समझते हुए एक मिनट भी नहीं लगा थिंक सोचते हुए, एंड देन तब ही विश, उन्होंने इच्छा जाहिर की, उन्होंने चाहा दैट द क्लाउड कम्प्लेक्स नेट, क्लाउड माने घने बादलों के समान, यानी घने बादल जो होते हैं वो थोड़े रंग के होते हैं, तो इसलिए उसकी तुलना, उनके रंग की तुलना उनके बादलों से की गई है, क्लाउड्स बादल। लोटस आईज, कमल के समान पत्ती, जैसे कमल की पत्ती होती है सुंदर सी, ऐसी आँख वाले। ब्रॉड चेस्ट, चौड़ी छाती वाले। एंड लॉन्ग आर्म, और लंबी भुजाओं वाले हाथ वाले। नकुल, जिनकी ये नकुल की विशेषताएं बताई हैं, देखो कि जिसका रंग जो है बादलों के समान है, श्याम रंग का। लोटस आई, सुंदर आंखें कमल के समान है, जिसकी चौड़ी छाती है वीरों की तरह। एंड लॉन्ग आर्म, और लंबी भुजाएं वाले जो नकुल हैं, लाइंग लेटे हुए हैं या पड़े हुए हैं, लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, एक अबनूस पेड़ की भांति। एबोनी एक विशाल पेड़ होता है बच्चों, विशाल एक पेड़ अबोनी ट्री, एक विशाल पेड़ की तरह गिरे हुए पेड़ के समान पड़े हुए हैं। माइट अराइज, उनका जीवन वापस आ जाए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। इस बात से यक्ष बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, व्हाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल का जीवन क्यों चुना। इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम के बजाय उसके स्थान पर आपने नकुल का जीवन क्यों चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। 16,000 एलिफेंट मतलब उन्होंने कहा स्ट्रेंथ माने शक्ति या ताकत। उन्होंने कहा कि भीम को क्यों नहीं, कि जिसके अंदर 16,000 हाथियों का बल है, ताकत है। आई हैव हियर्ड, मैंने ये भी सुना है दैट भीम इज मोस्ट डियर, कि मैंने सुना है कि भीम तुम्हें अति प्रिय है। डियर माने यहाँ पे बच्चे प्रिय से मतलब है, प्रिय प्यारा, टू यू, तुम्हें बहुत अति प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, अर्जुन क्यों नहीं, whose strength in arm is your protection, और जिसकी शक्ति में, जिसकी भुजाओं की शक्ति में
तुम्हारी सुरक्षा है, योर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन माने बच्चों यहाँ पे है सुरक्षा, सुरक्षा। टेल मी वाई यू चूज नकुला रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, तुम मुझे बताई बताओ कि इन दोनों में से तुमने नकुल को क्यों चुना। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि आपने भीम को क्यों नहीं चुना और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, क्योंकि दोनों ही बलशाली हैं, जिसकी रक्षा आप उनकी रक्षा बल से आपकी रक्षा हो सकती है, मुझे इसका कारण बताइए, उन दोनों में से नकुल को क्यों चुना आपने। अगले पेज पे हम चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 7 पे आएंगे हम। युधिष्ठिर रिप्लाइड, रिप्लाइड मीन्स मतलब उत्तर दिया, तब युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, ओ यक्ष धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, शील्ड माने रक्षा कवच, केवल धर्म ही मनुष्य का रक्षा कवच है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि मनुष्य अपने अच्छे कर्तव्य पालन और धर्म का त्याग कर दे, मैन विल बी रुइंड, तो मनुष्य का पतन हो जाएगा, मनुष्य का अंत है, यानी पतन, पतन माने अंत, तो उसके जीवन का अंत हो जाएगा, अर्थात उसकी कोई वैल्यू नहीं है यदि मनुष्य अपने धर्म का त्याग कर दे। यानी धर्म का मतलब यहाँ पे बच्चों अच्छे कर्तव्य, अच्छी सद्बुद्धि, अच्छे आचरण से मतलब है यहाँ पे धर्म का मतलब। यदि मनुष्य अपने अच्छे कर्तव्यों को पालन ना करे तो वो उसका जीवन जो नष्ट हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर दी टू वाइव्स ऑफ माई फादर, उन्होंने कहा कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव, आप देख रहे हैं कि मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, कुंती के रूप के पुत्र के रूप में मैं जीवित हूँ। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली ड्रेवेड, इसलिए उसे पूर्ण रूप से ज़्यादा दुख नहीं होगा। इन ऑर्डर दैट, इसलिए दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, स्केल माने तराजू, मे बी इवन एक समान रहे, जस्टिस माने न्याय और मे बी इवन माने एक समान। उन्होंने कहा कि न्याय जो न्याय किया जो पलड़ा होता है तराजू के, जो दोनों वो होते हैं वो बराबर रहें, एक समान रहें। आई आज दी माद्री सन, इसलिए मैंने माद्री के पुत्र के दी बारे में आपसे कहा नकुला में रिवाइव, कि नकुल का जीवन वापस आ जाए। उन्होंने यक्ष को बताया कि भाई ठीक है न्याय बराबर रहे, क्योंकि मैं अपनी माँ का एक पुत्र रहूँगा तो मेरी माँ जो है मुझे देख के खुश रहेगी और उसे ज़्यादा दुख नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी माँ जो है दूसरी माद्री, उसके तो एक ही लड़का है नकुल, और वो नहीं रहा तो फिर वो मेरी माँ तो बहुत दुखी हो जाएगी, इसलिए उसके भी एक पुत्र जीवित रहे और इधर से मेरी माँ के से मैं हूँ, इसलिए दोनों का न्याय बराबर हो जाएगा कि दोनों के पुत्र जीवित हैं। इसलिए आई आस्क्ड दैट माद्री सन, मैंने इसलिए माद्री के पुत्र को चुना नकुला में रिवाइव, कि उसका जीवन वापस आए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटीज, यक्ष जो थे युधिष्ठिर की इस निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता, निष्पक्षता का अर्थ है कि सच्चाई बराबर रहना, ना किधर की ना पक्ष ना विपक्ष, एक समान। एंड ग्रांटेड, यक्ष जो थे युधिष्ठिर की इस निष्पक्षता से, ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए,
एंड ग्रांटेड, ग्रांटेड माने आज्ञा देना, आज्ञा देना, और ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने आज्ञा दी कि उनके सभी भाइयों का जीवन वापस आ जाएगा। इट वॉज यम, ये कौन थे? यम थे, यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म, फॉर्म टेकन द फॉर्म का मतलब है रूप लिया, रूप धारण किया, ऑफ द यक्ष, उन्होंने जो मृत्यु के देवता थे यमराज, उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ताकि ही माइट सी, ये देख सकें युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, वो जान सकें कि युधिष्ठिर जी कितने सत्यवादी हैं, कितने निष्पक्ष हैं, उनका परीक्षण उनकी लेकर उनकी ये जांच करिए कि भाई इस कठिनाई के समय में भी युधिष्ठिर कितने धर्म का आचरण करते हैं, कितने अच्छे हैं, इसलिए ये परीक्षा उनकी ली गई। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, देन ही डिसअपीयर्ड, ही तब यक्ष ने एम्ब्रेस्ड माने गले लगाया, एम्ब्रेस्ड गले लगाया, तब यमराज जी ने युधिष्ठिर जी से प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया, ब्लेस माने आशीर्वाद, आशीर्वाद देना, देन तब ही डिसअपीयर्ड, तब वो गायब हो गए, गायब डिसअपीयर्ड, तब वो गायब हो गए। पूछो, ये चैप्टर हमने पढ़ा कि इसमें किस प्रकार से युधिष्ठिर जी ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया, और इस मुसीबत में युधिष्ठिर जी ने किस प्रकार से अपने भाइयों का जीवन बचाया, और ये तो परीक्षा ले रहे थे यक्ष जो मृत्यु के देवता थे, तो उनकी निष्पक्षता ईमानदारी से यक्ष ने उनके सब भाइयों का जीवन वापस लौटा दिया। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा, और इसके नीचे एक ग्लोसरी दे रखी है बच्चों, जो उसमें वर्ड मीनिंग जो उसके हैं मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, उसको समझ लेंगे। एनएक्साइटी का मतलब है फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर, यानी इसका मतलब है चिंता। दूसरा है वंडर अबाउट, इसका अर्थ है गो टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान यानी इधर उधर भटकना। फिर है फेंट, फेंट का अर्थ है टू बिकम अनकंसीसियस, मूर्छित होना यानी बेहोश होना। फिर है बियर, इसका अर्थ है पुट अप विद, सहन करना। आगे है ओवर पावरिंग, ओवर पावरिंग का मतलब है अत्यधिक, तीव्र, वेरी स्ट्रॉन्ग। स्पॉटेड, स्पॉटेड का मतलब है विद ए स्मॉल राउंड मार्क्स, जैसे कि मतलब छोटे छोटे धब्बे होते हैं, चितकबरा, जैसे हिरन के ऊपर धब्बे बने होते हैं, तो इस प्रकार से उसको स्पॉटेड कहते हैं। वॉ, वी ओ डब्ल्यू, वॉ का मतलब है सोलमन, प्रॉमिस यानी प्रतिज्ञा। आगे है क्वेंच, क्वेंच का अर्थ है सेटिस्फाई, स्पेशली थर्स्ट यानी प्यास बुझाना। सोरो स्ट्रिकन इसका अर्थ है ओवरकम विद ग्रीफ यानी व्याकुल यानी टूटा हुआ मन या व्याकुल या परेशान। आगे है रिवाइव, आर ई वी आई वी ई, रिवाइव इसका अर्थ है कम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित होना, किसी का मृत व्यक्ति का जीवन जब उसमें जान आ जाती तो उसको ही रिवाइव कहते हैं। आगे है शील्ड, एस एच आई ई एल डी, शील्ड इसका अर्थ है सेफ्टी, प्रोटेक्शन यानी रक्षा। तो बच्चों
यार हमने जो है 10th के जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, हमने ये प्रोज में लेसन नंबर 1 एंजेंटेड पोल सी चक्रवर्ती राजद जी द्वारा लिखा गया है चैप्टर हमने पढ़ा, और इसमें जगह जगह कहीं कहीं आपको थोड़े वर्ड मीनिंग भी समझाए गए हैं। यदि फिर भी किसी बच्चे को कोई वर्ड मीनिंग में समझने में दिक्कत हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं, और जो आप इसकी थोड़ी रीडिंग करेंगे समझ लेंगे, और इसका जो बाकी का काम है आपको बच्चों एक्सरसाइज का वो आगे की उसमें भेजा जाएगा, ठीक है। और आप कोई दिक्कत है तो आप हमसे मिल भी सकते हैं स्कूल में, बस हम जो एक्सरसाइज अगली जो वीडियो बनेगी उसमें आपको एक्सरसाइज वगैरह भेजा जाएगा, और जो है आप ध्यान से पढ़ेंगे और आप अपनी कॉपी बना लेंगे, एक तो बना लेंगे फर्स्ट की और एक ग्रामर की बना लेंगे, ठीक है ना। तो आप उसमें सिलेबस भी डाल देंगे और ये क्या कहते हैं ये जो आपका काम है, तो एक जो फर्स्ट कॉपी उसके अंदर 3 पेज वो बना लेंगे, 3 भाग बच्चों। ये इसमें जो है कुछ पेजों में तो प्रोज का काम करेंगे, बीच में जो है उसका कर लेंगे पोएट्री का, और पीछे जो है आप जो है उसमें शॉर्ट उसका क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री का काम कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। और जो दूसरी कॉपी बनेगी आपकी वो बनेगी ग्रामर, ठीक है ना। तो आप जो है काम जब दिया जाएगा आपको एक्सरसाइज का तो वो आप कर लेना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और नहीं समझ में आया तो आप मुझसे मिल सकते हैं स्कूल में।